तो पहले अपने काम की शुरुआत करने से पहले दराती की धार को तेज करनी होती है। चलो आपका दिन शुभ रहे। ओ माय गॉड, कुछ समय पहले ये चाची जी हमारे साथ में ही थे और पल भर में एक खबर आई, उसमें हमें ये पता चला कि ये चाची जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह के 8 बजे मैं भी निकल गया था घर से भुग्यालों के लिए। सुबह का समय था और अपने पहाड़ की माताएं बहनें घास काटने के लिए चट्टानों की ओर निकल ही रहे थे। उनमें से एक थी ये चाची जी। अब इससे आगे यहाँ पर हुआ क्या, ये सब बताते हुए मेरा हृदय पिघला जा रहा है, जुबान कांप रही है और मेरी आंखें भर रही हैं। तो चलिए पहले वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन खलपटिया ब्लॉग्स। इस वक्त मैं मौजूद था पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र मुनस्यारी में और आज बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र यानी कि मेरा जो गांव का इलाका है वहां पर मैं पहुंचा हूं। और आज प्लान बन रहा सुबह सुबह भैंसिया बुग्याल में जाने के लिए। सुबह बारिश हो रही है और उस वक्त मैं पहुंचा हूं अपने गाँव के छोटे से कॉलोनी टोक में और यहां से होती है भैंसिया और डांगो टॉप की शुरुआत। चलो तो देखते हैं, बाकी मौसम का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी तेज हो सकती है और कभी भी मौसम खुल सकता है। मौसम के हाल तो कुछ ऐसे हैं, लेकिन हमने भी चलती बारिश में प्लान बनाया है बुग्यालों में जाने के लिए। गांव से जैसे हम बुग्यालों के लिए लगते हैं, गांव से 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंचते हैं हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर में पहुंचते ही हम पहले करेंगे यहां पर पाठ पूजा, धूप अगरबत्ती जो भी है। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आज की इस यात्रा को बेहतरीन बनाने के लिए भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है और अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पे कण कण में देवी देवताओं का वास होता है और जाते जाते हर जगह माथा टेकते हुए अपनी मंजिल के लिए बढ़ते हैं। बुग्यालों के शहर में आज मेरे साथ पऊ भाई आ रहे हैं कॉलोनी टोक से और हम दो बंदे जा रहे हैं बुग्याल के लिए। और यहाँ से जो मेरा बैग है हम दोनों साथ में कैरी करके ले जाएंगे हनुमान मंदिर से भैंसिया बुग्याल के लिए। हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे बादलों को चीरते हुए इतनी टॉप से आगे देख सकते हैं अपने गाँव की माताएं बहने घास काटने या लकड़ी लेने के लिए इतनी दूर पहुंचे हैं। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक हैं आप? तो पहले अपने काम की शुरुआत करने से पहले दराती की धार को तेज करनी होती है। आप घास काटने जा रहे हैं या लकड़ी लेने के लिए? घास काटने के लिए। इतने खतरनाक चट्टानों में जाते हैं, देख सकते हैं। ये कहाँ से जाओगे? ये है ना रास्ता, यहाँ से जाऊंगी ऊपर से। अच्छा रास्ता है। हाँ। अकेले आए हैं? हाँ। डर नहीं लगता? नहीं। भाग भालू आ गया तो देखी जाएगी। देखी जाएगी। तो ये काम रहता है, पहले दराती की धार को तेज करना होता है। देख सकते हैं, दराती दिखाओ, ये देख सकते हैं बिल्कुल। इसको तलवार की धार से भी तेज बना दिया है, तलवार तो दूर की बात, ब्लेड की धार से भी तेज बना दिया है। चलो आपका दिन शुभ रहे। बाकी जगह जगह में ये भैंसिया खाल बनाए हुए हैं, यहाँ पे अपने जंगली जानवर और अपने गाय भैंस बकरियां पानी पीते हैं। और ये रास्ता है बुग्यालों में जाने का। अकेले ही ये चाची जी अपने पशुओं के लिए चारा लेने इतने दूर पहुंचे हैं, वो भी सावन भादो वर्षा ऋतु के फिसलन भरे खड़ी चट्टानों में। देखो, और मुझे साथी मिल गए हैं, मेरे दोस्त। आपके दगड़ू मिल गए हैं? आपके साथ वाले मिल गए हैं? ओ बाप रे, ताई लोग मिल गए यहाँ पे। ये सब बुग्यालों में रहते हैं अपने गाय भैंस बकरियों के साथ में और यहाँ पे घास लेने के लिए आए हैं इस जगह। पहला ताई, और ठीक है आप? जोंक निकाले, जोंक लग रहे हैं खूब। देखो दराती से निकाल ले जोंक को, देख सकते हैं। घास काटने के लिए जा रहे हैं, घास काटने के लिए। ये तैयारी देख रहे हैं आप, ये सर्दियों की तैयारी अब होने लगी है और ऐसे हम लकड़ियों को स्टोक करके रखते हैं, क्योंकि मेरा जो गांव पड़ता है ना बहुत दूरस्थ क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे ना बर्फबारी खूब होती है, जिसके लिए हमें लकड़ियां चाहिए होते हैं प्रॉपर आग जलाने के लिए। मौसम आज गड़बड़ कर रहा है, फिर से बारिश शुरू हो गई है। मुझे लगता है ना आज पूरा दिन बारिश ही होने वाली है और बारिश फिर से शुरू होगी है। बुग्यालों में जाते समय आपको जगह जगह में रेस्ट पॉइंट बने दिखेंगे, क्योंकि यहाँ बैठने से सामने से कई खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं, पूरा रंगीला दानपुर दिखता है। लेकिन आज तो ये धुंध लगी है, कोहरे से हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। अब जंगल वाला रास्ता लग गया है और जंगल वाले रास्ते में इतने बड़े बड़े मशरूम देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं। वैसे ये मशरूम खाने वाला नहीं है, जहरीला है, जहरीला। और इतने बड़े बड़े मशरूम दिख रहे हैं, और वैसे जो खाने वाले मशरूम होते हैं ना वो इनसे बड़े मिल जाते हैं कहीं कहीं पे। और आज ट्राई करते हैं, अगर खाने वाले मशरूम मिलते हैं ना, लंच टाइम तो मिस कर दिया है और वैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ, बिल्कुल जम के खाकर आ रहा हूँ अपनी माताजी के हाथों से बनी रोटी।
ऐसी जगह पता है भालू रहता है, ऐसे खतरनाक गुफा वाली जगह, इतने पत्थर हैं, ऐसे जगह रहता है भालू। इस रास्ते में चलते हुए ना पानी प्यास खूब लगती है, तो अब देखते हैं कहीं पर अगर पानी मिले तो पानी पीते हैं यार। ऐसे रास्ते में फिसलन होती है तो हाथ पैर दोनों इस्तेमाल करके चलना होता है। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिलता है, तो पानी मिल गया है फाइनली, और यहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल साफ जगह पानी हो। ये है बिल्कुल साफ और सुथरा पानी, हिमालय से आ रहा है ये पानी बहते हुए। तो पहले हाथों को रगड़ के, मिट्टी लगा के रगड़ के धोना होता है, उसके बाद ही आप पानी पी सकते हैं। इतने छोटे छोटे और इतने सारे मशरूम मिल गए हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये मशरूम खाने वाले हैं या नहीं। 1.5 किलो का मशरूम आज पहली बार देख रहा हूं मैं। ये वाले मशरूम होते हैं जहरीले, इन्हें तो जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं। मुझे ना किसी भी चीज के बारे में बारीकी से जानना अच्छा लगता है, और मैं देखना चाह रहा हूं कि इसके अंदर क्या है ऐसा जहरीलापन। ओ, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये ना सड़ते हैं ना गलते हैं। ये पता है 2 साल पुराना हो सकता है, 3 साल पुराना हो सकता है ये मशरूम। इसे छूना तो दूर की बात, इसके आसपास जाने से भी कहते हैं कि नशा होता है। ये देख सकते हैं, ये सब जहरीले मशरूम है, जहरीले। इतने मोटे मोटे पेड़ टूट जाते हैं सर्दियों में जब यहाँ पर बर्फबारी होती है। आपको पता है यहाँ पर पूरी सुनसानी है। मैंने सुना था बुग्यालों से जो चरवाहे हैं ना, कुछ लोग तो घर भी चले गए थे, क्योंकि एक टाइम यहाँ पे बाघ और भालू का, साथ ही और कई जंगली जानवरों का खतरा चल रहा था यहाँ पे। तो कुछ लोग इस बार पहले ही घर चले गए, नहीं तो यहाँ पे 6 महीने रुकते हैं। अभी दिन के 12 या 12:30 का समय हुआ था। एक तरफ से हम बुग्यालों के लिए निकल रहे थे और दूसरी तरफ घास काटते हुए चट्टानों से गिरने की जो घटना थी वो भी इसी बीच की थी। लेकिन जंगल में सिग्नल ना होने के कारण ये खबर हमें शाम के 4 बजे मिलती है। वाह, गरुड़ का पंख, गरुड़ का पंख कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, पहली बार ही देख रहा मैं तो। ये जादू मंत्र में काम लगता है भाई। ओम गिली 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 छू। जितनी खूबसूरती आते आते देखे ना, अब ऐसे रास्तों से चलना पड़ रहा है। आराम से भाई, आराम से। जंगल के बाहर पेड़ों के बाहर मूसलाधार बारिश चल रही थी और हम थे पेड़ों के अंदर, तो यहाँ पे हमें बारिश का कोई एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन रास्ता पूरा भीगा था, फिसलनदार था। हम जैसे तैसे भैंसिया बुग्याल में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं भैंसिया बुग्याल, स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और जल्दी से भेड़ पालक या फिर चरवाहों के अड्डे में जाके पहले भाई खाने के लिए देख लेते हैं। और रास्ते में आपको गाढ़ गधेरे खूब देखने को मिलेंगे। तो पहुंच गए हैं हम भैंसिया बुग्याल में। हेलो, कैसे हैं आप? नमक खा रहे हैं, इनको नमक दिया होगा इस पत्थर में। आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप पूछते हैं कि बकरियों को और गायों को बुग्यालों में नमक क्यों दिया जाता है, तो इसका आंसर है, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है बुग्यालों में, कुछ घास ना जहरीला होता है और कुछ जो मशरूम होते हैं तो वो खा लेते हैं ये, तो उसको पचाने के लिए नमक दिया जाता है, क्योंकि नमक ना सारी चीजों को गला देता है। ये जानकारी मुझे मिली थी किसी भेड़ पालक से। ये सामने है तरदा का अड्डा। यहाँ पे कोई गेट दरवाजे कुछ नहीं होते हैं, बस मोटी मोटी लग रहे हैं, इनको लगाना होता है। कल ही मैं मुंशारी से पहुंचा और आज बुग्यालों में आ गया हूँ फिर से, और मुंशारी की कुछ यादें आपसे शेयर करते हैं। नेचुरल स्विमिंग पूल में फुल एंजॉय किया और साथ ही कुछ गुनगुनाया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। और ये बकरियाँ देख सकते हैं, हरी हरी घास चर रहे हैं। नहाते ही एक अलग ही तरोताजगी मिली और मैगी पार्टी की इतने शानदार लोकेशन पे। और उसके बाद फिर आजा मेरा दानपुरा के कुछ लाइन गाए, फिर हम पहुंचे कपकोट, एक एनजीओ में जहां पे होती है बेसहारा लोगों और अनाथ बच्चों की मदद। यहां पे तहसीलदार महोदय भी पहुंचे थे और साथ में हम भी मुख्य गेस्ट थे। और भाई साहब ने इन छोटे छोटे बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, जो बेसहारा बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, उन सबको अपने तरफ से कुछ योगदान दिया। तो ये है मुंशारी के कुछ यादगार पल। अब चलते हैं फिर से बुग्यालों में। तो लो भैया, हमारा खाना बन रहा है अभी।
ये बुग्यालों में जो घर होते हैं वहाँ के चूल्हे हैं। मैगी बन रही है या खिचड़ी? भाई खिचड़ी बन रही है। अच्छा भाई खिचड़ी बना रहे हैं हम। स्वादिष्ट सी पतली खिचड़ी बनाई और इसी से हम अपने भूख को मिटाने लगे। इतनी जल्दी और बुग्यालों में बन भी क्या सकता था। भैंसिया बुग्याल में पहुंचे हमें 2 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी चरवाहा नहीं मिला, क्योंकि ये समय था चरवाहों का गायों के साथ जंगल में रहने का। अब आगे हुआ क्या? ये वही समय था जब हमने घटना की खबर सुनी। हमने प्लान किया ऊपर घूमने के लिए, लेकिन अचानक से हमारे फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें लिखा रहता है, घास काटते हुए कोई महिला चट्टान से गिर गई है, आप लोग कहाँ हो। बस ये मैसेज हम जैसे ही सुनते हैं, हम फटाफट से यहाँ पे दरवाजा जो गेट है इनका वो अच्छे से बंद कर दिया और हम फिर यहाँ से जल्दी से भागने लगे गांव के लिए। हमें वैसे पूरा शक तो हो गया था कि वही महिलाएं होंगे जो हमें आते हुए मिली थी। गांव घर में अगर किसी को अगर कुछ भी हो जाए ना तो एक अलग सा माहौल होता है गाँव का। गाँव पूरा परिवार होता है। बहुत बड़े पहाड़ से गिरे हैं, ये मैसेज आया है भाई, आराम से। हाँ सुबह हम भैंसिया बुग्याल के लिए गांव से जैसे लगे थे तो हमें रास्ते में 3 औरतें मिली, ये ताई जी, दूसरी ताई और ये चाची जी। इन्होंने वैसे बताया कि हम घास काटने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें अब पूरा शक हो गया था कि इनमें से कोई ना कोई तो है। आप घास काटने जा रहे हैं या लकड़ी लेने के लिए? घास काटने के लिए। इतने खतरनाक चट्टानों में जाते हैं, देख सकते हैं ये। घास काटने के लिए। अच्छा घास काटने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक मैसेज और मिलता है जिसमें ये लिखा रहता है कि ये चाची अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी मृत्यु एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। इनके द्वारा किए गए कार्य, इनकी मेहनत, प्रेम और समर्पण की गवाही देंगे। इनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान इनके परिवार और इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति।